एक नियमित एक प्रक्रिया है जी, जो समय समय पर निरंतर लोगों के बीच में लोगों की समस्याएं सुनना और कई तरह की बातें इसमें आती हैं जी। रोजमर्रा की भी बातें आती हैं, कुछ विकास से संबंधित बातें आती हैं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी लोगों की आती हैं जी। वैसे जो भी समस्या होती है उसको उसी तरीके से उसके समाधान करने का कोशिश की जाती है। तो आज यहीं पर अपने विधानसभा के लोगों के बीच में आज यहाँ समय गुजारा है, जो मैं अक्सर मैं गुजारता रहता हूँ, और बहुत तरह की बातें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका समाधान हो भी गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका फॉलोअप करना होता है, बहुत चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर किसी से बातचीत करने के बाद या कोई पॉलिसी मैटर भी होता है तो वो उसी तरीके से लोगों को समझाया भी जाता है। आज भी मेरे ख्याल में कम से कम 60 के करीब केस तो आए हैं, और कल भी मैं कल करनाल PWD रेस्ट हाउस में था तो वहाँ पर भी कम से कम 70-80 केस कल भी मेरे पास। क्या सार्वजनिक समस्या थी इसमें ज़्यादा? देखिए, लगभग सार्वजनिक काम भी होते हैं, व्यक्तिगत भी लोगों की समस्याएं होती हैं, और अलग अलग जैसी समस्या हो उसी हिसाब से उसका संबंधित अधिकारी से बातचीत करके उसका समाधान निकाला जाता है। देखिए, जो पिछला लगभग 1.25 वर्ष से कोरोना काल जो है, ये बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व के सामने है, और उससे हम भी किसी तरीके से अछूते नहीं हैं, क्योंकि कोरोना की पहली वेव आई, उसमें लॉकडाउन सरकार ने लगाया, उसके बाद फिर कुछ समय बीच में स्थिति थोड़ी नियंत्रण में आई थी, और दूसरी वेव में फिर बहुत ही एक भयंकर रूप उस कोरोना ने लिया है, जिसमें बहुत सारा समाज ने दुख भी झेला है, बहुत सारी मौतें भी हुई हैं, बहुत लोगों को परेशानी भी हुई है, मगर सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ सारी व्यवस्थाओं को संभालते हुए लोगों को कष्ट ना हो और जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, चाहे ऑक्सीजन की बात है, चाहे दवाइयों की बात है, चाहे मरीज़ों को आइसोलेट करने की बात है, चाहे नए अस्पताल बनाने की बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत बारीकी से सारी व्यवस्थाओं को बनाने का काम किया, उनको सुचारू रूप से वो चले उसको सुनिश्चित किया, और मैं समझता हूँ कि अब दूसरी वेव जो है उसमें अब काफ़ी कमी है, और आने वाले समय के लिए भी भविष्य में ऐसी दोबारा वेव इतनी ज़्यादा इस स्केल पर ना आए, उसके लिए एक जागरूकता के नाते बार बार ये बातें जाती हैं कि लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, और चाहे वो मास्क लगाने की बात है, चाहे दूरी बनाने की बात है, चाहे हाथ साफ करने की बात है, ताकि दोबारा से जो कोरोना है वो बड़े स्तर पर ना आए। तो मैं समझता हूँ सभी चुनौतियों से पार होते हुए अब विकास कार्य लगातार हमारे चले हुए हैं, बीच में रुकावट कोरोना के कारण से आई थी, मगर फिर भी हमारी कोशिश है कि कोई भी विकास कार्य ना बचे।